अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। होप यू आर डूइंग वेल। आई एम आल्सो फाइन। सो टुडेज वीडियो इज़ ऑल अबाउट माय कैट के हवाले से। मेरी जो कैट है बेला, उसको मैं निहलाऊंगी आज बिल्कुल अच्छे से, काफ़ी टाइम बाद, बिकॉज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी दिन, काफ़ी मतलब महीने, मंथ्स हो गए थे मैंने उसको निहलाया नहीं। तो मैंने कहा कि चलो आज मैं उसको फाइनली निहला ही दूँ, वो भी थोड़ा फील करे फ्रेश। तो यस, तो आज मैं उसको निहलाऊंगी और उसकी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपनी कैट को प्रॉपर और किस तरह से अच्छे से उसको बात दे सकते हैं, और उसके शैम्पू क्या होता है और कौन सा शैम्पू आपको यूज़ करना चाहिए जो उनके जो हेयर वगैरह है उसके लिए भी अच्छे रहते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो प्रॉपर जो है सामान है, तो ये हेयर ड्रायर है, बिकॉज उसको नहलाने के बाद उसको बिल्कुल भी वेट नहीं छोड़ना, गीला नहीं छोड़ना है आपने, वरना उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है, उसको फ्लू हो सकता है, उसको फीवर हो सकता है। तो उसको प्रॉपर हवा मतलब क्या ड्राई करना होगा आपको। नेक्स्ट जो है, मैं शैम्पू आपको ये सजेस्ट करूँगी, ये काफ़ी अच्छा शैम्पू होता है। मैंने कितन शैम्पू लिया है, इसमें काफ़ी तरीके के आते हैं, डॉग एंड कैट साथ भी आते हैं, जिसके पास डॉग एंड कैट है तो वो एक शैम्पू भी ले सकता है, मेरे पास सिर्फ कैट है। तो मैंने ये लिया है और बियोलाइन का है, ये किटन शैम्पू है और इसके इंस्ट्रक्शंस ये हैं। दिस शैम्पू हैज़ अ डीप नर्चरिंग फार्मूला विच एड न्यूट्रिंग फॉर ईजिली डैमेज और सेंसिटिव फर। बियोलाइन किटन शैम्पू विल मेक योर किटन फर शाइनी एंड हेल्दी। तो इसलिए तो काफ़ी अच्छा है ये, और सस्ता भी है आई थिंक। मैं मुझे अभी इसकी याद नहीं है, प्राइस मैं आपको मेंशन कर दूंगी अगर मुझे पता चली, क्योंकि मैंने ये ऑर्डर किया था और इसके साथ उसके वो बिस्किट्स होते हैं वो भी ऑर्डर किए थे। बाकी ये हैं बिस्किट्स, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन से बिस्किट्स आपकी कैट के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। काफ़ी अच्छे सारे रहते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करती हूँ काफ़ी अच्छे होते हैं, नाम भी बहुत है, तो आप भी वो यूज़ करें। बाकी ये है इसका टॉवल है, और ये हेयर ड्रायर और शैम्पू है। बाकी पानी गर्म हो रहा है, आपको अपने कैट को गर्म पानी से नहलाना है, बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं, बहुत गर्म पानी से नहीं नहलाना है, लेकिन जो नॉर्मल होता है उस तरीके से नहलाना है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिस्किट दिखाती हूँ। बाकी सामान ये जो है मैंने छोटा पैकेट मंगवाया, बिकॉज ये बहुत ही महंगे होते हैं, तो बट डजंट मैटर महंगे होते हैं नहीं, लेकिन मैंने छोटा इसलिए मंगवाया था क्योंकि बड़ा अवेलेबल नहीं था। तो ये किटन का ही लेती हूँ, क्योंकि किटन में क्या होता है, किटन फूड में प्रोटीन जो है ना वो एडल्ट के मुकाबले ज़्यादा होता है। तो अगर आप अपनी कैट को किटन फूड खिलाना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, अगर आपकी कैट एडल्ट हो चुकी है। मेरी कैट ऑलमोस्ट 1 ईयर की तो हो चुकी है, और ये है रॉयल कैनिन के, काफ़ी अगर आपने नाम सुना है, और काफ़ी अच्छे हैं ये, इसमें भी काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं हेल्थ की वगैरह के वगैरह के। उसमें किटन आता है, इंडोर किट आती हैं, और काफ़ी तरीके के आते हैं, तो मैंने ये वाला लिया है। तो गर्म पानी इसमें है जो कि मैंने डाल दिया है, और अब मैं ठंडा पानी ऐड कर दूँगी जितना नॉर्मल हो सकता है। अभी तो काफ़ी गर्म है, काफ़ी ज़्यादा
moments later.